नमस्कार, पेंटिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम हाफ शेप बनाएंगे। हाफ शेप में बना हुआ डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है पेंटिंग कलर्स, एक पुराना कपड़ा, पानी से भरा एक बर्तन, कलर निकालने के लिए ट्रे, पेंटिंग ब्रश, डिजाइन बनाने के लिए पेंसिल इरेजर, एक सफ़ेद सूती कपड़ा, एक फ्रेम। सफ़ेद सूती कपड़े को मैंने धोकर सुखाकर प्रेस कर लिया है और इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले कलर निकाल लेते हैं। इसमें दो कलर लगेंगे। इसमें एक तरफ से थोड़ा सा डार्क कलर आता है और एक तरफ से बिल्कुल हल्का हल्का आता है। तो ये कैसे बनता है अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये दो कलर मैंने लिए हैं। ये पेंसिल और इरेजर का काम हुआ तो हम इसको एक तरफ कर देते हैं। ये मैंने गुलाबी और सफेद कलर दो ले रही हूँ। सबसे पहले हम सफेद कलर भर लेते हैं। ये देखिए, जहाँ हम ये बनाना शुरू कर रहे हैं, चाहे हम पत्तियों में स्टार्ट करें या फूल में, तो एक कलर भर लेते हैं पहले। और जब ये कलर गीला ही रहे तभी हम जो दूसरा कलर भर रहे हैं वो भरेंगे। अभी गीला ही है तो अब हम ये गुलाबी कलर, इसको हम एक तरफ से डार्क बनाएंगे और एक तरफ से बिल्कुल हल्का। चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम बीच में हल्का कलर भर लें, हल्का करें, और किनारों पे डार्क करें, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक साइड डार्क और एक साइड हल्का कलर करूंगी। अब इसको ऐसे बार बार इसको ब्रश को पोंछना भी पड़ेगा और इसको ऐसे पूरे में फैला देंगे। जब लगे कि हमने जो पहला कलर भरा था वो थोड़ा सूख गया है तो उसमें और उसको गीला रखने के लिए वो कलर उसी को भर लेते हैं। मैंने सफ़ेद कलर भरा था तो मैंने अभी थोड़ा सफ़ेद कलर और लगा लिया ताकि ये अच्छे से बन जाए। इसको ऐसे करते 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 करते
ज्यादा कलर दिखाई दे बीच में, तो उसे ब्रश की सहायता से उसे हटा दी जाए और कपड़े पे पोंछ दी जाए। देखिए ये थोड़ा सा ये देखिए हमारी ये एक कली पूरी हो चुकी है, ये ऐसा बनेगा। अब हम दूसरे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाइट कलर, ये देखिए दूसरी कली भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम पूरे फूल को ऐसे बना लेते हैं इसी विधि के द्वारा। ये देखिए हमारा ये फूल बनकर तैयार हो चुका है। अब हमारी पत्तियां बाकी हैं। पत्तियों में भी आज हम यही यानी हाफ शेप्ड इसी का इस्तेमाल करेंगे और भरते हैं। पत्तियों में मैं पहले पीला कलर भर रही हूं। ये देखिए हमारा ये डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए पत्तियां और ये फूल। अभी हम इसकी टहनी को पूरा कर देते हैं और इसके बीच में थोड़ा सा भर देते हैं। ये देखिए हमारा ये डिजाइन बनकर पूरा हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है हाफ शेप में बना हुआ डिजाइन। इसमें सावधानी यही बरतनी है कि जो कलर हम नीचे लगा रहे हैं जब वो गीला रहे तभी दूसरा कलर लगाना चाहिए। आप चाहें तो एक साइड से डार्क और एक साइड से लाइट कर सकते हैं, या फिर आप दोनों साइड से डार्क और बीच में से हल्का कलर कर सकते हैं। जब हमारा एक तरफ से लगा हुआ कलर जो पहले हमने लगाया था वो सूखने लगे तो उसको गीला करने के लिए थोड़ा सा उस कलर को और लगा लीजिए ताकि वो गीला बन जाए और फिर उसे बनाना शुरू कर लीजिए। बस यही सावधानी बरतें।